आज की इस कक्षा में हम पाठ एक चर वाले समीकरण के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हल करें। इसका पहला प्रश्न है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। हल करें का अर्थ है कि इसका x का मान निकालना है। आइए इसे हल करते हैं। यहां हम बराबर के दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड में ये जो भाग है हमारा जिसमें चर है इसे हम बाई ओर लाते हैं। तो इससे पहले ये प्लस है, जब हम इसे बाई ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x/3। ठीक इसी तरह से -1/5, ये 1/5 को हम दाहिनी ओर लाएंगे तो इससे पहले माइनस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस। अब हम 2 और 3 का लसा करते हैं तो ये आता है 6। लसा यानी एलसीएम, भिन्न के जोड़ और घटाव में आपने ये सीखा होगा। अब 2 से इस 6 में भाग देते हैं तो आता है 3। इस 3 से हम x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक इसी तरह से यहां पर हो जाएगा 2x। दाहिनी ओर भी ऐसा ही करेंगे तो 4 और 5 का हमारा एलसीएम हो गया 20 और यहां होगा 5 और ये 4, तो ये हो गया 3x - 2x x/6 और यहां 9/20। ये x/6 है तो ये जो बटा में यानी भाग में 6 है इसको हम बराबर के दाहिनी ओर लाएंगे तो ये ऊपर गुने में आ जाएगा। तो ये x/9/20 × 6 ये अंश में आ जा रहा है, क्योंकि यहां भाग में था तो गुना करते हैं तो ये अंश में आ जा रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं ये 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो 2 × 3 = 6 और ये 2 × 10 तो ये आ गया हमारा 27/10। इस तरह से हमारा x का मान आ गया। प्रश्न संख्या 2 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। आइए इसे हल करते हैं। 2x/3, अब बराबर के दाहिने ओर जो 7x/15 है इसे हम बराबर के बाई ओर लाएंगे। जब बाई ओर लाएंगे तो देख रहे हैं यहां पर कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है इससे पहले, तो अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है और जब हम बाई ओर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -7x/15। ठीक इसी तरह से इधर दाहिनी ओर 3 है और इधर बाई ओर 1 है, इस 1 को हम इधर लाएंगे दाहिनी ओर तो ये हो जाएगा -1। अब यहां हम 3 और 15 का एलसीएम निकालते हैं जो आएगा 15, तो इस 3 से हम 15 में भाग देते हैं तो 5 बार में जाता है तो और 5 को इस 2x से गुना करेंगे तो 5 × 2 = 10 यानी 10x और यहां होगा इसी तरह से 7x = 2 और 10x से 7x हम घटाते हैं तो आता है 3x/15 और इधर दाहिनी ओर है 2 या x/2 × 15/3। देखिए 3/15 था, बराबर के दाहिने ओर जब आया तो ये हो गया 15/3। तो ये 3 से हम इसे काटते हैं 3 × 5 = 15 तो x का मान आ गया हमारा 10। प्रश्न संख्या 3 x/8x/3 + 5x/2 = 15। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
लौसर या एल्सियम निकालेंगे। यहाँ तीन है हर में और यहाँ दो है, यहाँ हर में एक है, तो हमारा लौसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x घटाओ, ये 3 से 6 में भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, और 2 से 8 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा 16x, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 15x बराबर 15। अब यहां देख रहे हैं 6x और प्लस 15x ये 21x हो गया, और यहां माइनस 16x है, तो 21 से हमने 16 घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 5x बटा 6 इक्वल टू 15, या x बराबर 15, और ये जो बटा में 6 है बराबर के दाहिनी ओर लाएंगे तो ये ऊपर अंश में आ जाएगा, और इसी तरह से ये 5 जो अंश में है यहां बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हर में आ जाएगा। तो अब इस 5 से 15 को हम काटते हैं तो 3 बार कटता है, तो ये हो गया 3 × 6 = 18, तो x का हमारा मान आ गया 18। प्रश्न संख्या 4, 2x-1/3 - 6x-2/5 = 1/3। आइए इसे हल करते हैं, या पहले की तरह हम यहां 3 और 5 का एलसीएम या लॉसर निकालते हैं, ये हो गया 15। 3 से इस 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और इस 5 से फिर हम इस 2x-1 को गुना करेंगे, तो ये होगा 5 × 2x-1। ठीक इसी तरह से यहां पर 3 से गुना करेंगे, 6x-2 = 1/3, 5 × 2 = 10, x - 5 - 18x + 3 × 6, अब यहां देख रहे हैं 10x और ये है -18x, तो ये हो जाएगा -8x, और -5 + 6 ये हो जाएगा +1, और ये बटा में है यहां पर 15 बराबर 1/3, -8x + 1 = 1/3, ये बटा में जो 15 है बराबर के दाहिनी ओर आकर यहां पर आ जाएगा गुना में, तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो या -8x + 1 = 5। अब इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, -8x = 5, ये जो +1 है दाहिनी ओर आएगा तो -1 हो जाएगा, या -8x = 4, या x = 4/-8, ये जो -8 गुना में है बराबर के दाहिनी ओर ये बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। इसे कहीं कहीं इस तरह से भी लोग लिखते हैं -0.5। प्रश्न संख्या 5, 3L - 2/4 - 2L + 3/3 = 2/3 - L। आइए इसे हल करते हैं, सबसे पहले हम 4 और 3 का लसा निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा 12, तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 से फिर 3L - 2 को हम गुना करेंगे, 3 × 3L - 2, ठीक इसी तरह से यहां हो जाएगा 4 × 2L + 3,
और बराबर के इस ओर भी हमारा लॉसर 3 होगा और यहां हो जाएगा 2 माइनस 3 एल, या ये 3 से गुना होगा, 3 ती आई 9 एल माइनस 3 गुना 6 माइनस 4 दुनी 8 एल, और ये माइनस प्लस माइनस 4 ती आई 12 और ये बटा में 12 और यहां तो है ही 2 माइनस 3 एल बाई 3। यहां हम देख रहे हैं 9 एल माइनस 8 एल, तो ये हो जाएगा हमारा एल, और माइनस 6 और माइनस 12 ये हो गया माइनस 18 बाई 12, और ये है 2 माइनस 3 एल बाई 3। अब दोनों ओर हम 12 से गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 गुना एल माइनस 18 बाई 12, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 एल बाई 3, और यहां पर कर दे रहे हैं इंटू 12। ये क्यों हमने किया था, देखिए ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, और ये 3 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा 18 और ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 दुना 8 और माइनस 4 तिहाई 12 एल, या एल ये माइनस 12 एल बाई ओर ले ला रहे हैं तो ये प्लस 12 एल हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस 18 को हम दाहिनी ओर ला रहे हैं तो प्लस 18 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 13 एल इक्वल टू 26, या एल इक्वल टू 26 बाई 13 अर्थात 2, तो यहां L का हमारा मान आ गया 2। प्रश्न 6, 2n माइनस 3 बाई 2 माइनस 3n माइनस 8 बाई 4 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 3। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम 2 और 4 का LCM लेते हैं, तो ये हो गया 4। अब इस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर इस 2 से हम इस 2n माइनस 3 को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 3 माइनस ये 4 से 4 में भागेंगे तो एक बार जाएगा तो यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 8 इसकल टू n प्लस 1 बाई 3। इसे गुना करते हैं, 2 दुनी 4 n माइनस 2 तिहाई 6 माइनस 3 एन माइनस माइनस प्लस 8 बटा 4 बराबर एन प्लस 1 बाई 3, या यहां देख रहे हैं 4 एन से ये माइनस 3 एन तो ये हो जाएगा एन, और ये माइनस 6 और प्लस 8 तो ये हो जाएगा प्लस 2 बटा 4, और ये n प्लस 1 बाई 3। अब दोनों ओर हम 12 से गुना कर दे रहे हैं, तो ये 12 गुना n प्लस 2 और ये 12 गुना सॉरी यहां पर ये 4 भी है बटा में इंटू n प्लस 1 बटा 3, तो ये 4 से 12 कटेगा 3 बार में और ये 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3 से फिर ये गुना करेंगे तो 3 एन प्लस 3 दुनी 6 और ये 4 से 4 एन प्लस 4 3 एन, और इस 4 एन को हम बाई ओर लाते हैं तो माइनस 4 एन, और ये इक्वल टू 4 प्लस 6 को हम दाहिनी ओर लाएंगे तो माइनस 6 हो गया है। अब यहां पर लिख रहे हैं, या 3n माइनस 4n,
तो ये हो गया माइनस एन और ये हो गया माइनस टू, अर्थात अगर हम इसे माइनस वन से गुना कर दें इंटू माइनस वन और इसको भी माइनस टू इंटू माइनस वन, तो हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू टू।